subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज का स्टूडियो हम लोग का हिस्ट्री का, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से वो कौन कौन से क्वेश्चन है, तो चलते हैं हम शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी फायदा हो जाए एग्जाम से पहले भी। तो चलते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन चार आपके पास चार दिया हुआ, तो इसका जो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर कहाँ मिले थे, तो मोहनजोदड़ो मिले थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन चार आपके पास दिया हुआ, तो इसको जो सही ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कांस्य युग। यहाँ पे कांस्य युग बिल्कुल सही होगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग आसान सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि तीसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि कालीबंगान कहाँ स्थित है। तो इसका चार सही ऑप्शन जो होगा जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान, राजस्थान में कालीबंगान स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग चौथा क्वेश्चन है, वो कि सिंधु घाटी निवासी को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सही की ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा जी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उसको लोहा का ज्ञान नहीं था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, वो कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन दिया आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार गुप्त या फिर स्कंदगुप्त या फिर अशोक। तो यहाँ पे जो संस्थापक जो था वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का छठा क्वेश्चन है, वो है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो जैसे कि आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका सही जो ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मौर्य वंश। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का शासक था, ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद सातवें क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, और ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अशोक। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आ भी सकता है आपके एग्जाम में, तो ये रिपीट क्वेश्चन ज़्यादातर हो रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ, और आठवां क्वेश्चन है कि प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति की रचना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि नौवां क्वेश्चन है, गंगापुत्र किसे कहा जाता है। तो गंगापुत्र कहा जाता है भीष्म को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। गंगापुत्र किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भीष्म राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि दसवां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक चली। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ 10 दिन, 18 दिन, 10 महीने या फिर 18 महीने। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 18 दिन। लाइव टेस्ट में बहुत लोग 18 महीने बता रहे थे, तो आप लोग महीने और दिन में कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पर दिन दिया हुआ है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि 11वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन चार दिया हुआ आपके पास, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कुंडलग्राम। कुंडलग्राम सही होगा यहाँ पे, तो लुम्बिनी नहीं होगा, महावीर का जो जन्म स्थान वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कुंडलग्राम। और चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ जो कि 12वां क्वेश्चन है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके पास, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, और पता ही हो आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा यानी बौद्ध धर्म है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी बौद्ध धर्म है। और उसके बाद चलते हैं 13वें क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जो है हम लोग का, बादशाहनामा किसने लिखा था। तो कौन से शासक ने बादशाहनामा किसने लिखा था। तो उसके जो सही जो ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाहनामा किसने लिखा था, तो अब्दुल हमीद लाहौरी, कुछ लोग अबुल फजल बता रहे थे, तो अबुल फजल यहाँ पर नहीं होगा, अबुल फजल लिखा था अकबरनामा, यहाँ पर बादशाहनामा दिया हुआ, तो आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना। तो बादशाहनामा किसने लिखा था, तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ जो कि है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी बहादुर शाह जफर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन चार दिया आपके पास, 1509, 1526 या फिर 1556 या फिर 1561। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1526। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि 16 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि विजयनगर सम्राट का महानतम शासक कौन था। तो महानतम जो शासक था वो था कृष्णदेव राय, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट होगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि 17 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे, कौन से वंश के थे हरिहर और बुक्का। तो इसका सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए यानी संगम वंश, किस वंश के थे, तो संगम वंश के थे हरिहर और बुक्का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 18वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो इसका जो सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी आया था विजयनगर की यात्रा पर सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अजमेर। अजमेर यहाँ पे राइट हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नानक। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी नानक। तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो नानक का हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। निर्माण किसने शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 22वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि बीजकमय किसके उपदेश संग्रहित है। चार ऑप्शन आपके पास है, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य या फिर रामानंद। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कबीर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हम लोग का 23वां क्वेश्चन है, और है किताबुर रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है। चार ऑप्शन आपके पास है, अलबरूनी, अबुल फजल, उसके बाद है इब्न बतूता या फिर बर्नियर। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी इब्न बतूता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। चार ऑप्शन आपके पास है, तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी महमूद गजनवी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। आसान सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मोरक्को। किस देश का यात्री था, तो मोरक्को का हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का है, हुमायूं नामा किसने लिखा था। चार ऑप्शन है आपके पास, गुलबदन बेगम, फैजी या फिर अबुल फजल या फिर अब्दुल हमिद लाहौरी। तो सही ऑप्शन बात करें तो हो जाएगा गुलबदन बेगम यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हुमायूं नामा किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग का अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन, कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह जो हुआ था वो था आपका 1831 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा 1831। याद रखिएगा कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 में। उसके बाद अगला है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो इसके नेता थे सिद्ध और कन्हू। कौन थे, सिद्ध और कन्हू, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो है, अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने कब लागू किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यानी 1793 को। कब लागू किया था, तो 1793 को। क्या लागू किया था, तो अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा, कार्नवालिस के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का है, फ्रांसिसी बुकानेन कौन था। चार ऑप्शन आपके पास, यात्री, चिकित्सक, इतिहासकार या फिर क्रांतिकारी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी चिकित्सक। कौन था, फ्रांसिस बुकानेन, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चिकित्सक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हम लोग का 31वां क्वेश्चन है, और है दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ। ऑप्शन आपके पास चार, 1913, 1857, 1875 या फिर 1893। सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1875। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया था, तो 1875 यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का है 32वां क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ। तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी काशी, जो कि पड़ता है वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी काशी आंसर हो जाएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 33वां क्वेश्चन है, और है 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह का पटना में नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन बात करें सही, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज है, ये नंबर हो सकता है, लेकिन वीर कुंवर सिंह भी थे, तो ये शायद आपको जगदीशपुर से मिले होंगे, जगदीशपुर से, तो आप लोग थोड़ा कन्फर्म कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जब तक के लिए ए मार दीजिए, पीर अली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 34वां क्वेश्चन है, और है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, तो सही जो ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कैनिंग। कौन था, तो कैनिंग, जो 1857 के विद्रोह में समय था वो हो जाएगा कैनिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन हम लोग का, वास्को डिगामा भारत कब आया। चार ऑप्शन है आपके पास, सही ऑप्शन की बात करें वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मई 1498 को। सेम ऑप्शन है यहाँ पे, मार्च दिया हुआ है यहाँ पे मई, तो ऑप्शन याद रखिएगा मई 1498 राइट हो जाएगा।
अब चलते अगले क्वेश्चन जो कि 36वां क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। आसान सा क्वेश्चन है और इसकी सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1853, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1853 में। अगला क्वेश्चन है गांधी चंपारण कब गए। ये भी आसान सा क्वेश्चन है और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1917। अगला क्वेश्चन है कि खेड़ा किस राज्य में स्थित है। खेड़ा किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे अगर सही की बात करें तो ऑप्शन ए सबसे डी सही हो सकता है, लेकिन अगर पूरे बात करें इसमें जो खेड़ा कहाँ पे असल में है तो वो जाएगा आपका पंजाब में। पंजाब के पड़ता है छोटे से कस्बा जहाँ पे खेड़ा स्थित है, लेकिन यहाँ पे अगर सर्च कीजिएगा आप तो बिहार में भी एक खेड़ा जगह का नाम भी मिलता है और यहाँ पे उड़ीसा में थोड़ा खेड़ा से मिलता उलता ये मिलता है। तो अगर असल में बात करें तो यहाँ पे जब तक गुजरात आप लोग मान लीजिए, लेकिन असल में रियल में जो है पंजाब में है, जो प्रचलित खेड़ा है नाम से तो वो पंजाब में है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 39वां क्वेश्चन है, वह है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 या फिर 13 मई 1919, 13 जून 1919 या 13 जुलाई 1919। तो सही ऑप्शन बात करें तो ये देखा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 13 अप्रैल 1919 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई। सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1927 कब हुई थी, तो 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। उसके बाद चलते अगले क्वेश्चन जो कि है सर की उपाधि किसने वापस की। चार ऑप्शन है आपके पास, सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी रविंद्रनाथ टैगोर। किसने वापस की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी ब्रिटिश सरकार को। अब चलते अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 42वां क्वेश्चन है, वो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आसान सा क्वेश्चन है शायद आप लोग के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यानी गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब चलते अगले क्वेश्चन जो कि हम लोग का 43वां क्वेश्चन है, और है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। चार ऑप्शन है आपके पास और इसमें कई लोग हमें गलत आंसर बता रहे थे इसमें लाइव टेस्ट में, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1942, और ये लास्ट आंदोलन था तो 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और अगले बात करते हैं जो कि हम लोग का है क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1905 को कब हुई थी, तो 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। चार ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट जो बात करें तो हो जाएगा सी यानी 1946 को। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो 1946 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चलते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ जो कि है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आसान सा क्वेश्चन है शायद आपको पता भी होगा, तो सही ऑप्शन की बात करते हैं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1885। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का विभाजन किस योजना के परिणाम है। चार ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन बात करते हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी माउंटबेटन योजना। किस योजना पर आधारित है, तो माउंटबेटन योजना यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बात करें तो सही हो जाएगा सी यानी भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी यानी भीमराव अंबेडकर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन और ख़त्म होने जा रहा है कि भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1950, जो कि यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 1950 है। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, तो 1950 को राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। आसान सा क्वेश्चन है, बता रहे थे यह नहीं होगा, 26 जनवरी को लागू किया गया था, इसलिए 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि हड़प्पा में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई। तो हड़प्पा में सबसे पहली जो स्थल खोज थी वो हड़प्पा ही थी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी है, क्योंकि हड़प्पा सब बताए, क्योंकि पहली जो खोज हड़प्पा हुई थी जिसके कारण इसको हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ गया। तो इस पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नजर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हो, हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह हैं। तो हड़प्पा में लिपि में जो है लगभग जो है वो 400 चिन्ह है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख पा रहे होंगे कि जूते खेत का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है। तो यहाँ पे चार मतलब हड़प्पा स्थल के नाम दिए हुए हैं, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी काली बंगाल से मिला है। क्या कहाँ से जाएगा, तो काली बंगाल जो कि राजस्थान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख पा रहे होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का राजरोहण कब हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजरोहण हुआ था वो हुआ था यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी यानी 321 ईस्वी में। कब हो जाएगा, तो 321 ईसा पूर्व में,
ईसा पूर्व मतलब ईस्वी से पहले। क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं पाँचवा कि अरबों ने सिंध विजय कब किया। अरबों ने सिंध जो अरबों के साथ जो सिंध विजय हुआ सिंध के साथ जो लड़ाई हुआ था तो वो विजय कब प्राप्त हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी 712 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर छठा कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन थे। तो पता होगा सभी को मौर्य वंश का जो प्रथम शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां देख पा रहे होंगे ऋग्वेद का काल क्या है। तो ऋग्वेद का जो काल है वो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। सातवां क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर नाइन देख पा रहे होंगे गुप्त वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। तो गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो था यहाँ पे बी हो जाएगा यानी समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था तो समुद्रगुप्त था यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दसवां देख पा रहे होंगे स्वर्ण युग किस काल से संबंधित है। तो स्वर्ण युग जो संबंधित है वो है गुप्त काल से यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा गुप्त काल से। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे होंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा पार्श्वनाथ। 11 क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 12 कि हीनयान का संबंध किस धर्म से है। तो हीनयान और महायान इन सब का संबंध जो है वो है बौद्ध धर्म से यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 12 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे होंगे सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ। तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था वो हुआ था 327 से 325 ईसा पूर्व में यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 13 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख पा रहे होंगे गज ए सिकंदरी की माप क्या थी। गज ए सिकंदरी की माप क्या थी ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 41 अंगुल या 33 इंच। 41 अंगुल जिसको कहते हैं नापा हुआ या फिर उसको इंच में बोलेंगे तो 33 इंच। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देख पा रहे होंगे अकबर काल में कर के रूप में कितना भाग लिया जाता था यानी जो भूमि लगाया जाता था उसका कितना भाग अकबर के काल में लिया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी औसत पैदावार का 1/3 भाग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे होंगे निम्न में से कौन सा सिक्का चौकोर चांदी का होता था। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जलाली। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे कि पुस्तक मुंतखब उल लोबाब किसकी रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे सो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी खाफी खां। क्या हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 18 देख पा रहे होंगे पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1556 ईस्वी में। कब हुआ था 1556 ईस्वी। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे होंगे कि हिमायूं का अर्थ क्या होता है। तो हिमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहे होंगे फरनाओ न्यूनिज विजयनगर के किस शासक के काल में भारत आया। तो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अच्युत्य देवराय। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में से कौन फरिश्ता के नाम से प्रसिद्ध है और ग्रंथ तारीख फरिश्ता लिखी है। ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी मोहम्मद कासिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहे होंगे अब्दुल रज्जाक किस देश का यात्री था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ईरान। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देख पा रहे होंगे गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था यह किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रावी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था यह किस नदी के किनारे स्थित है तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 24 में देख पा रहे होंगे कि कबीरदास जी का संबंध किस जाति से था। कबीरदास जी का संबंध किस जाति से था ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है सो 24 का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा यानी जूला। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे होंगे शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है सो 25 का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी फतेहपुर सिकरी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में देख पा रहे हैं किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया। किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा गया ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अरबी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 देख पाएंगे, दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? दक्कन का विद्रोह कब हुआ था? तो दक्कन का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1875 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख पाएंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कैप्टन मुनरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख पाएंगे, नवाब वाजिद अली शाह कहाँ का नवाब था? तो ये जो था अवध का नवाब था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, कहाँ का था? तो अवध का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख पाएंगे, बैर कपूर छावनी में सर्वप्रथम किस सिपाही ने विद्रोह प्रारंभ किया? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो 30 का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी यानी मंगल पांडे। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 31 देख पाऊंगे, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वीर कुंवर सिंह, बिहार से जो किए थे वीर कुंवर सिंह किए थे, बट यहाँ पे जितना जो नाम है सभी 1857 के क्रांति में नेतृत्व था, लेकिन बिहार का जो था वो वीर कुंवर सिंह था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख पा रहे होंगे, 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो थे बंगाल का गवर्नर वो था रॉलेट क्लाइव, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3300 देख पा रहे होंगे, भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों पर होती है? तो भारत में नियमित जो जनगणना होती है वो 10 वर्षों पर होती है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 33 का होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3400 देख पा रहे होंगे, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? भारत में जो डाक टिकट था वो किस गवर्नर जनरल ने चलाया था? ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए हैं, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी लॉर्ड मिंटो। चलो क्वेश्चन नंबर 3500 देख पाएंगे, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1920 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3600 देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी जो अफ्रीका से भारत लौटे थे वो होते 1915 ईस्वी को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1915 ईस्वी। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 37 देख पा रहे होंगे, लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1929 ईस्वी को, कब हुआ था? तो 1929, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1942 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 39 देख पा रहे होंगे, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी बी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1915 को, कब हुई थी? तो 1915। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देख पा रहे होंगे कि महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? सो पता होगा आप सभी को ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी बोधगया में, कहाँ हुआ था? तो बोधगया। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद देना है, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। आपने आप वीडियो को देखा है तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। निर्गव का अर्थ क्या है इसका आंसर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख पा रहे होंगे, पाणिनि की अध्याय रचित इस क्वेश्चन का आंसर बी होना चाहिए, यानी 500 ईसा पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 4400 देख पा रहे होंगे, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो तंबाकू का सेवन जो सर्वप्रथम जो किया था वो किया था अकबर ने किया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा ए हो जाएगा, अकबर ने। उसी तरह सेम क्वेश्चन इसका उपरी था कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो प्रतिबंध लगाने वाला था वो जहांगीर था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, सेवन करने वाला अकबर और प्रतिबंध लगाने वाला जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4600 देख पा रहे होंगे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है अजमेर में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4700 देख पा रहे होंगे, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो इसका जो विकास सर्वाधिक होता शाहजहां के काल में हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4800 देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आलमगीर होगा और छूट गया है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, औरंगजेब। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख पा रहे होंगे कि अमुक्त माल्यवाद किसने लिखी?
तो अमुक्ति माल्या जो लिखी थी वो कृष्ण देव राय, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देख पा रहे, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? तो यहाँ पे राइट आंसर ए एवं ब दोनों हो जाएगा, ए एवं ब, निकोलो कोंटी और अफनासी निकितन। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपके इस बोर्ड पेपर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी फायदा हो जाएगा। अगर आपके स्क्रीन पर किसी तरह की वीडियो आ रहा है तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चल तब तक के मिलते हैं अगले नए वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।